दर्शकों, मैं हूं गरिमा तिवारी। ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। दुर्ग के मोहनलाल बाकलीवाल औषधालय में किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, राज्यसभा सांसद और भाजपा के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। स्व सहायता समूह की महिलाओं को लाभ की चूड़ी व कंगन बनाने के लिए किया जा रहा प्रशिक्षण, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। कुम्हारी नगर पालिका और 6 समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी में किया प्रवेश, छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद बनी कांग्रेस की सरकार। एसआर हॉस्पिटल में मनाया गया डॉक्टर्स डे, कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के मोहनलाल बाकलीवाल औषधालय में शुक्रवार की सुबह वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन दिनों वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को दुर्ग के मोहनलाल बाकलीवाल औषधालय में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने फलदार व छायादार पौधों को रोपित कर उन्हें सहेजने का संकल्प लिया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी पौधारोपण कर पौधे को सहेजने से लेकर उनके रख रखाव की जिम्मेदारी ली व पौधारोपित कर ट्री गार्ड लगाकर पौधे को सुरक्षित किया। पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 23 जून से 6 जुलाई तक देश भर में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है और पर्यावरण को सहेजने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे देश भर में लिया है। उसी तारतम्य में हम यहाँ पर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो वृक्ष हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए लगाए, हमने उसका उपभोग किया। हम सब लोगों ने उसके उपयोग के साथ साथ पर्यावरण की जो परिस्थिति है और संतुलन है वो बिगड़ा। हमें लगता है कि हम लोगों ने जो उपभोग किया हमारे पूर्वजों का दिया था वो हमने लिया है, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोगों को कोई ना कोई सौगात जरूर देकर जाना चाहिए। उसी तारतम्य में हम सब लोग यहाँ पर जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये भविष्य में सुरक्षित रहे और वृक्ष का आकार रहे, यहाँ के पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम एक सौगात देकर जाए। फिलहाल 23 जून से 6 जुलाई तक बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान में बीजेपी महामंत्री उषा टावरी, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, मीडिया प्रभारी KS चौहान सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने एक एक पौधे लगाकर उन्हें सहेजने और सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बालोद जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं को लाख से चूड़ी व कंगन बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश बालाघाट से ट्रेनर को बुलाकर स्वरोजगार से जोड़कर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने शहरों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में बालोद जिले के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र स्थित गोटुल मुंडा डिपो में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना स्वरोजगार से जोड़ने लाख से चूड़ी व कंगन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महेश्वरी स्व सहायता समूह गोटुल मुंडा व नारी शक्ति स्व सहायता समूह बड़बूम वनांचल क्षेत्र की 21 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। कंगन व चूड़ी को बनाने पेड़ से निकलने वाली लाख, जिसे छत्तीसगढ़ में लासा कहते हैं, उसके साथ स्टोन पाउडर, रज्जन पाउडर को मिलाकर गावा तैयार किया जाता है, जिसे आग की धीमी आंच में गर्म कर उसमें एक गोल रिंग डाल कंगन व चूड़ी का रूप दिया जाता है, जिसके बाद कलर बट्टी कुसमी लाख और कलर को मिक्स कर डिजाइनिंग दे आर्टिफिशियल बनाया जाता है। वहीं प्रशिक्षण पा रही महिलाएं उत्साहित हैं। महिलाओं का कहना है कि इस विधि को सीखने के बाद वे स्वयं कंगन चूड़ी बनाकर उसे बेचेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ उनके हाथ में 2 पैसे बचेंगे। मध्य प्रदेश बालाघाट से ट्रेनिंग लेने पहुंचे ट्रेनर का कहना है कि महिलाओं को कंगन चूड़ी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसे सीख कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और स्वयं का काम भी चालू कर सकती हैं।
हमन डहा लाख है, बहुत पैदावार करत हन और मिलत है, तो लाख ले चूड़ी बनाए बर प्रशिक्षण भैया मन आए हैं बालाघाट ले, और अच्छा ढंग के हमला सीखो थे, और हम सीख के पूरा तैयार होबो, ओकर बाद ना हमारा आर्थिक की स्थिति जो सुधर जही, तब हमन हाँ अपन धंधा पानी शुरू से मतलब शुरू से आखिरी तक अपन करबो, या दो पैसा बचा के अपन जिंदगी अपन घर ला स्वच्छ बनाए कोशिश करबो। हमारे लाख के लाख ज़्यादा मिला थे, हमन लाख की चूड़ियाँ बनाबो, यहाँ प्रशिक्षण हुआ थे, बालाघाट से आए हैं हम प्रशिक्षण दे बर, हमन प्रशिक्षण करा था, एक बाद हमन हमला रोजगार मिली और काम घलो मिली, हमला आर्थिक स्थिति सुधारे बर काम अच्छा काम मिली। सर हम यहाँ पर हमारा प्रशिक्षण तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ये हम यहाँ पर लाख से बनने वाले चूड़ी कंगन का प्रशिक्षण लेने आए हैं, और हम बालाघाट से आए हैं, यहाँ पर महिलाएं कुछ अच्छा तो सीख रही है और इनसे इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि इनसे इनको रोजगार बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विकास कार्य को देखते हुए कुम्हारी नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश सोनकर के साथ 6 समर्थक ने मुख्यमंत्री निवास जाकर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं उनसे प्रभावित होकर हम कांग्रेस में प्रवेश लिए। वही मुख्यमंत्री ने जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला उससे काफी प्रभावित हुआ, अब गरीब परिवार के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाना आसान हो जाएगा। वही ही किसानों और युवाओं के हित में जो कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है। 6 लोग कांग्रेस ज्वाइन हुए हैं, उसमें बड़ा चेहरा पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश सोनकर भाई, युवराज साहू जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। भूपेश भैया के कार्य से प्रभावित हैं, जो आज छत्तीसगढ़ की परंपरा को भूपेश भैया जीवित किए हैं 15 साल बाद, उनसे प्रभावित हो गए हैं, आज काम उनके क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि मेरे ख्याल से इससे पहले कुम्हारी में जो स्थिति पर जो तैयारी होना था काम का, कभी नहीं हुआ था आज तक से 15 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल में देखने नहीं मिला। आज देखो दीवाल में देख लो, चाहे पौधारोपण में देख लो, हर स्तर पर आगे चल रही है। हम लोग 6 सदस्य हमारे समर्थक जो है उनके साथ प्रवेश किए हैं कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस की आज कांग्रेस भूपेश सरकार जो यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार अपना संचालित कर रही है, वह बहुत उन्नत और प्रगतिशील युवाओं के लिए हर क्षेत्र में एक जो एक आदर्श ग्रुप में परिलक्षित हो रहा है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन करना, ये सबसे बड़ी मेरे दिल को छूने वाली बात जो थी, अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल संचालित किया जाना, यह एक ऐसी विशेष मेरे को लगा जो कि एक देश और गांव और परिवार के भविष्य निर्माण में जो सहयोगी बने, ऐसी एक विचार भौगोलिक धरातल स्तर पर जो विचार को उनने अपने अंजाम तक पहुंचाया, वो मैं बहुत प्रेरित हुआ उनसे कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है करके। वैसे उसी प्रकार से किसानों के हित में, चाहे और अन्य युवाओं के, जैसे कल के ही हम लोग कल संपर्क किए उनसे, तो बातचीत के दौर में बातचीत चली, तो बेरोजगारों के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं लाने वाले हैं वो, और कुछ जो वंचित जो रोजगार से वंचित के साथ साथ कुछ और दिहाड़ी मजदूर वगैरह जो करते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, या फिर और एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ है, उनके लिए भी योजनाएं लाने की उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो हमको प्रेरित किया। पहले भी उनसे संपर्क हुआ था तो उनके द्वारा ऐसा था कि सब जी करीब 70-80 लोग होंगे हमारे साथ और जाएंगे, निकट भविष्य में कार्यक्रम लेंगे उनके द्वारा, उसमें सम्मानित होंगे सभी। बेरोजगारों के लिए भी जल्द से जल्द योजना लाने वाले हैं, इससे युवाओं को रोजगार का साधन काफी मिलेगा। करीब करीब 70-80 लोग अभी भी कांग्रेस में प्रवेश करेंगे, साथ ही 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी उससे युवा काफी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट दुर्ग। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करने वाले मेडिकल स्टाफ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान 24 घंटे कोरोना संक्रमित मरीजों को सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त स्टाफ एवं डॉक्टरों का सम्मान प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र बैच लगाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। भव्य सम्मान समारोह का आयोजन SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के परिसर में किया गया। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन संजय तिवारी के द्वारा प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स को स्वयं के हाथों सम्मानित किया गया।
समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुगम सावंत ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से लोगों को बचाने में करीबन 800 चिकित्सकों के द्वारा अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, नगर निगम कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत कुछ खोकर लोगों की प्राणों की रक्षा करने में अथक परिश्रम यह है। इसे ध्यान में रखकर नागरिकों को चाहिए कि भविष्य में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करें। SR हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर्स डे समारोह देश के महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। सर्वप्रथम 1 जुलाई 2021 को छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, समस्त डॉक्टरों को, कोरोना वॉरियर्स को चिकित्सक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आज बहुत ही पुण्य दिन है। इस अवसर पर SR हॉस्पिटल परिसर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है एवं डॉक्टरों का सम्मान किया गया है। विगत कुछ महीनों से हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व कोरोना की त्रासदी को झेल रहा है। हमारे जो सम्मानित डॉक्टरगण हैं, उनकी टीम है, उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है, मरीजों को स्वस्थ किया है, उनके लिए SR हॉस्पिटल उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। क्षेत्र में आसपास की मितानी बहनें, आसपास के और भी जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी अपनी सहभागिता निभाई है। सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के लिए SR हॉस्पिटल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और प्रेस के, मीडिया के जो मित्र हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, बहुमूल्य योगदान दिया। साथ में कोरोना काल में उन्होंने जो योगदान दिया, उन्होंने जगह जगह जान अपनी जोखिम में डालकर समाचार बनाया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे के लिए सचेत रहना है, समाज को सुरक्षित रहना है। पुनः आप सभी को एक बार चिकित्सक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अस्पताल में प्रत्येक डॉक्टर सहित पैरामेडिकल स्टाफ ने दिन और रात अथक प्रयास करके अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले एक एक मरीज की जान बचाने के लिए संघर्ष किया है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इन सभी कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना करते हुए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिथि डॉक्टर सतीश मेश्राम, डॉक्टर लाल मोहम्मद, डॉक्टर KD तिवारी, डॉक्टर शुभम सावंत, डॉक्टर AP सावंत, डॉक्टर अखिलेश यादव, डॉक्टर पार्थ शंकर का सम्मान पुष्प गुच्छ, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं बैच लगाकर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, चिखली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमबे से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर कोरोना काल के समय अपना योगदान देने वाले भिलाई के बीएम शाह अस्पताल के डॉक्टरों, नर्स स्टाफ और हॉस्पिटल के डायरेक्टर का दुर्ग आईजी विवेकानंद सेना ने किया सम्मान। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल के मददगार टीम डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ के साथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रूपेश अग्रवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मिश्रा, बीएम शाह के ट्रस्टी रवि शाह का दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा ने सम्मान किया। बीएम शाह के डॉक्टर का कहना है कि जिला प्रशासन का दिल से आभार करता हूं। कोविड में हमारा डॉक्टर स्टाफ के द्वारा मरीजों को जो मदद किया गया उसमें मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। जिला प्रशासन ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज हमें सम्मान किया। 1 जुलाई प्रति वर्ष डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर्स एवं हेल्थ वर्कर्स को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने अपनी प्राणों की परवाह न करके लोगों की सेवाएँ की और साथ ही साथ न केवल डॉक्टर्स ने बल्कि हेल्थ वर्कर ने और इस दौरान कई डॉक्टर की अपनी जानें चली गईं। इसके लिए मैं कोरोना पैंडेमिक में जिन डॉक्टरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर को अपनी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी सम्मानित डॉक्टरों को बधाइयां शुभकामनाएं और कोरोना काल में जिन डॉक्टरों को हमने खोया है उनके लिए श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। एम साहब परिवार उनको नमन करता है। आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में मुझे कुछ आईजी आए थे हॉस्पिटल पर और जो डॉक्टरों को सम्मानित किए और जो परिवार की क्षति हुई है कोरोना काल में उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यही आज का प्रोग्राम का मेन उद्देश्य। वही ही कोरोना की तीसरी लहर का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे अजीत जोगी युवा मोर्चा ने भिलाई निगम के जोन 4 कार्यालय पहुंचकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोन कार्यालय का घेराव किया। वहीं ही वार्ड 46 दुर्गा मंदिर की 12 सूत्री मांग को लेकर आज भिलाई जोन 4 का घेराव किया। जोगी कांग्रेस के वार्ड प्रभारी सोनू नारंगे ने बताया कि वार्ड में लगातार समस्या को लेकर 8 जून को ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन अब तक उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। इससे आक्रोश होकर हम सब आज जोन कार्यालय का घेराव किए हैं। निगम प्रशासन मूलभूत सुविधा के लिए भी लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। वार्ड में समस्या का अंबाल से लगा हुआ है। वहीं पानी टंकी भी टूट चुका है। वार्ड में सीमेंटीकरण नहीं हुआ है। वार्ड में जितना भी गलियां हैं वहां सब कब्जा हो चुका है जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वार्ड दुर्गा मंदिर। हमारे वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा आवेदन और ज्ञापन दे चुके हैं। जो हमारी मांगे हैं नल और नाली, रोड और सामुदायिक भवन, जिसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इन लोग। और जो आज हम लोग मजबूरन वार्ड के लोग बहुत आक्रोशित थे, जो इस वजह से आज हम लोग नगर निगम जोन 4 का घेराव किए। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द नगर निगम जोन 4 पूरा करे। और ये जो मांग है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मांग है। अगर और नहीं होगा तो हम लोग फिर बड़े स्तर पे ये आंदोलन को लेके जाएंगे। साथ ही वार्ड में कई लोगों का अब तक राशन कार्ड भी नहीं बन पाया। अब कुछ दिनों से वार्डों में गंदा पानी की समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं। यह सब समस्या जल्द से जल्द निगम प्रशासन दूर करे, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, दुर्ग। बेमित्रा जिले के ग्राम भेड़नी के रहने वाले थल सेना जवान पोषण साहू की झांसी उत्तर प्रदेश में तैनाती के दौरान मौत हो गई। उनका शव गृह ग्राम भेड़नी पहुंचने के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। अंतिम संस्कार के दौरान क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा जवान के गृह ग्राम पहुंचे और अपनी श्रद्धांजलि दिए और शोक संतप्त परिजनों को संतावना दी। इस दौरान बेमित्रा जिले के आला अधिकारी जवान के पार्थिव शरीर को थल सेना विभाग के द्वारा उनके गृह ग्राम भेड़नी लाया गया, जहां उन्हें थल सेना के आला अधिकारी सहित ग्रामीण जन राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा में शामिल होकर विदाई दी गई। जवान अपने पीछे भरा पूरा परिवार, पिता पत्नी सहित 2 छोटे बच्चों व 1 छोटा भाई बहू को छोड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, बेमित्रा। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। शिकायत मिलने के आधार पर टीम लगातार कार्रवाई करने का दावा कर रही है। निगम अधिकारियों के दावे अब तक धरातल में नजर नहीं आ रहे हैं। इसका असर अब यह हो रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों की आवाज को बुलंद करने में लगे हैं। लोगों की शिकायत को लेकर भाजयुमो नेता प्रसून दत्ता स्थानीय लोगों के साथ आज सेक्टर 6 निगम कार्यालय पहुंचे। निगम पहुंचकर दत्ता ने जल्द सफाई करने की बात पर आवेदन भी निगम अधिकारियों को सौंपा। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जब कोरोना का सेकंड वेव आया था और भिलाई वासी बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी कोरोना में और बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए थे, और उसके बाद अभी डेंगू जब आया है और जोन 5 के सेक्टर 4 में जब डेंगू आया है, उसके बावजूद निगम प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। आज भी आप चले जाइए, हर रोड पर आपको कचड़े दिखेंगे, वहीं पर वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, वहीं सुअर लौट रहे हैं, वहीं पर पूरी कचरा वहाँ फैल रही है। और बरसात के मौसम में वैसे भी बहुत सारी बीमारी वहाँ आती है सबको, तो इसी को लेकर आज हम यहाँ जोन कमिश्नर के ऑफिस में आए जोन 5 में, और जोन कमिश्नर जो मैडम है वो अभी तक आई नहीं है। आप इसी से समझ सकते हैं कि वो कितनी लापरवाह है भिलाई को लेकर और भिलाई वासियों को लेकर। जहाँ कि एक तरफ युवा विधायक जो कि फोटो खिंचाने में व्यस्त है, पर जहाँ डेंगू हो रहा है वो सामने नहीं आ रहे हैं। और जो भी बीमारी होती है, जहाँ कोरोना हो सबसे पहले उनको होता है, जहाँ डेंगू हो सबसे पहले उन्हीं को होता है, तो उनके भी हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इस बार उनको कुछ ना हो। और हम सब युवा साथी उनको जल्द एक कोरोनिल की जो दवाई है उनको हम देंगे, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहे। भिलाई नगर निगम के जोन 5 में आए हैं। जोन 5 में ही के एक सेक्टर में डेंगू का पहला केस आता है, उसके बाद यहाँ पे प्रशासन को सजग हो जाना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि मौतों का सिलसिला चालू हो तभी हम सजग हों? उससे पहले साफ सफाई पे मैडम से मिलने आए हैं, पर मैडम की अनुपस्थिति है यहाँ पे। अब हम लोग कोई भी एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल रहा है जिसको हम अपना ज्ञापन दें और उनसे रिक्वेस्ट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, भिलाई। ग्रैंड न्यूज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।